हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माय सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, आज के लिए मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ। जैसे को पता ही कि आपसे बिहार बोर्ड में एडमिशन चल रही है आपकी 11th 12th क्लासेस में, तो लिंक अभी भी जस्ट लिंक एक्टिव हुई है अप्लाई करने की। तो मैं आपको आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ किस तरह से घर बैठे आप अपने से खुद से चाहो तो आप ये फॉर्म जो कि आपका एडमिशन फॉर्म आप 11th से 12th का भर सकते हो। उसके आपको क्या करनी पड़ेगी, क्या है पूरा प्रोसेस एडमिशन का आपकी इस बिहार बोर्ड की जो भी एडमिशन चल रही है आपकी 11वीं 12वीं की कक्षाओं में, तो ये सारी से जानकारी जानने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद को लाइक करें, चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। साथ साथ बताऊंगा कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है फॉर्म फिलअप करने वक्त। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्ज़ाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिर सबसे पहले आपको यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिल जाए। आपको वेबसाइट अपने मोबाइल फ़ोन पर खोल लेनी, जो कि आपकी वेबसाइट होगी OFSSBihar.in। आपको बस जस्ट ये वेबसाइट को टाइप कर लेनी है अपने ब्राउज़र में, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, क्रोम ब्राउज़र कोई भी। फिर आपको नीचे आ जाएंगे इस वेबसाइट पर, बिहार बोर्ड का ओएफएसएस का पोर्टल है। आने के बाद आपको यहाँ पढ़ने को मिल जा रही है कि यहाँ पर देख पा रहे हो 2021-23 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य सौर स्कूल्स में देख पा रहे हो ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म देख पा रहे आपको ये है। उसके पहले आपको देख पा रहे कुछ प्रोस्पेक्टस भी आई हुई है। तो पहले आपको मैं प्रोस्पेक्टस में कुछ अगर इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए हो वो जानकारी पहले आपको चलिए दे देता हूँ। उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउन कर लेनी है, जो प्रोस्पेक्टस आप इजली डाउन कर लोगे। और ये प्रोस्पेक्टस मैं क्या करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी वीडियो के मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो देख पा रहे हो ये कॉमन प्रोस्पेक्टस है आपका इंटरमीडिएट कक्षा विद्यार्थियों के लिए। ऑनलाइन नामांकन की सरल व्यवस्था की गई है इस साल, ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम इसको कहा जाता है। तो इस सिस्टम के द्वारा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से ही। इसके अलावा कुछ नहीं करनी है, बस आज का वीडियो पूरा देखनी है। बस यहाँ पर दो बात आपको ध्यान रखनी है कि ये फॉर्म संख्या जो लिखा हुआ है 5 और 6 क्या है। तो फॉर्म संख्या 5 देख पा रहे हो, अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड पटना में उत्तीर्ण की है तो उनको फॉर्म संख्या 5 भरनी है। और फॉर्म संख्या 6 क्या है, अगर विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा CBSE ICSE यानी किसी बोर्ड से किया है, तो अगर पास है तो उनको फॉर्म संख्या 6 भरनी होगी। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको वसुधा केंद्र में भरनी है, तो उसके लिए फॉर्म नंबर बता दिया, समझा दिया। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रोस्पेक्टस तो दिखा दिया राउंड करके, प्रोस्पेक्टस में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब चलिए बताता हूँ बिना टाइम ना बर्बाद किए आपको किस तरह से अप्लाई करनी है, वो भी अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो ये काम। तो उसके लिए देख पाए आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है, क्लिक है टू अप्लाई फॉर एडमिशन, इस पर क्लिक कर दीजिए। बस क्लिक करिएगा तो खुल चुकी है पोर्टल, देख पा रहे हो ये ऑफिस की पोर्टल जिसे आपको अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए। और जिनको अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनको क्या करना पड़ेगा उनको मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। उसके देख पा रहे हो 350 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, देख पा रहे हो। और आपको यहाँ पर देख पा रहे हो आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए बॉक्स में, और यहाँ पर क्लिक है टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। बस इतना छोटा सा काम आपको करना और कुछ नहीं। देख पा रहे हो उसके बाद आपकी ये फॉर्म्स खुल जाती है बेसिकली। तो ये जो फॉर्म आपकी खुल चुकी है ये आपकी इंटरमीडिएट की फॉर्म है, देख पा रहे हो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ये एडमिशन की आपकी इंटरमीडिएट कोर्स में यानी +2 के कोर्स में 21-23 सेशन में बिहार बोर्ड का। ऊपर देख रहे हो लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट में लाल रंग से लिखी गई सभी सूचनाएं अनिवार्य है। तो जो रेड रंग से लिखा गया है और जिसमें स्टार मार्क है वो आपको ऑप्शन भरना ही भरना, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। अब नीचे पढ़ने को मिल जा रहा है कि आपको किस बोर्ड से आप पास की हो मेट्रिक का एग्ज़ाम और आपने किस ईयर पास किया था, अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड से देख करके जरूर आप लिखिए। तो उसके देख पर आपके यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड चुन लीजिए, आपका जो भी एग्जामिनेशन बोर्ड है। मान लीजिए आपने जो मैट्रिक किया है, आप 11th में एडमिशन ले रहे हो या 12th में ले रहे हो, तो आपने मैट्रिक कहाँ से किया वो डाल दीजिए। अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक किया है तो BSB बिहार डालिए। आप जिस स्टेट से मैट्रिक किए हैं देख पा रहे हो, इतने सारे स्टेट्स आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ये सारे स्टेट्स को डाल दीजिए। देखो नेशनल ओपन स्कूल का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिस तरह के बहुत सारे स्कूल्स का ऑप्शन है। अब बात करें देख पा रहे हो CBSE बोर्ड का भी ऑप्शन है, जो बच्चे CBSE से किए वो CBSE चुन सकते हैं। अब किस साल आप मैट्रिक पास किए हो वो चुन लीजिए, अपना ईयर यहाँ पर ठीक है, अपना ईयर चूज़ कर लीजिए। फिर अपना वो एग्ज़ाम आप दिए हो जो मैट्रिक का ठीक है, इसमें एनुअली दिए हो या आपको कंपार्टमेंट लगा था तो एनुअली है तो एनुअल पे क्लिक करेंगे, कंपार्टमेंट आपको एग्जाम दिए हो तो कंपार्टमेंट पे क्लिक करिएगा। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ इसको चूज़ करिए, डेट ऑफ बर्थ जैसे आपको इस तरह से डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो डालने के बाद आपका रोल कोड आपको बेसिकली एडमिट कार्ड में होगा, आपका जो मैट्रिक के पास आपका एडमिट कार्ड होगा, आपको एडमिट कार्ड से आपको यहाँ पर रोल कोड देख के लिख लेनी है। उसमें भी आपको रोल नंबर भी होगा, बिहार बोर्ड वाले के लिए रोल नंबर रोल कोड अलग अलग होता है, तो आपको यहाँ मिल जाएगी। अब बात करिए देख लेता हूँ एक बार चेक करके आपको CBSE में क्या
के ऑप्शंस दे रही है, तो सीबीएसई में देख पर अगर आप सीबीएसई चूज़ करते हैं, उन विद्यार्थियों को भी बता दूं मैं, तो अगर आप सीबीएसई वाले वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी तो रिजल्ट आई नहीं है, पर बहुत पिछले साल जो छूट गए थे एडमिशन लेना वो ले सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उनको सिर्फ रोल नंबर डालना पड़ेगा। तो अब चलो यार बिहार बोर्ड वाले को बता दूँ, तो उसके देख पा रहे बी एस सी बिहार, उसके लिए आपको दोनों डालिए। डालने के बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे आपको फोटो या फिर रिसेंट फोटो अपलोड करनी होगी, जिसके लिए आपको चूज फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप फाइल को चूज करके यहाँ से अपने गैलरी से आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे तब आप अपने फ़ोन पे आ जाओगे। ये आपका फ़ोन हुआ बेसिकली, तो इस फ़ोन पे आइएगा तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको इस तरह से स्टोरेज खुलेगा, ठीक है। तो आपको सर स्टोरेज खुलता है, आपको आपके स्टोरेज में आ जानी है आपका फाइल कहाँ पर है जनरली बेसिकली, और फिर खोल के आपको उसको वहाँ से जस्ट अपलोड कर देनी होगी। तो फिर चलिए आपने अपना फोटो तो अपलोड कर लिया, अब उसके बाद आपको आप नाम लिख लीजिए, एप्लीकेशन नेम, बस आपको नाम वम सब लिखने में याद रखना होगा कि आपको जो भी लिखना है तो कैपिटल ब्लॉक लेटर में लिखनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पूरा नाम लिखनी होगी और नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखनी होगी, फिर फादर्स नेम डाल दीजिए, फिर देख पा उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम डाल दीजिए, आपकी माता को जो है माता का नाम डालिए, क्योंकि फोटो आपको फोटो जो अपलोड करनी है वो आपको जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फाइल्स में अपलोड करनी होगी और अदर फॉर्मेट नहीं चलेगी। और देख पा रहे हो एप्लीकेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ रही है, आपको कुछ इसमें मांगा जाएगा, आपका जो मेट्रिक बोर्ड का एग्जामिनेशन का डिटेल्स मांगा जाएगा। देख पा रहे हो नीचे आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि आपको अगर सी जी पी है तो सिर्फ सी जी पी ही लिख दीजिए, उसके लिए आपको सी बी सी पर सेलेक्ट करोगे तो सी जी पी डालने का ऑप्शन आपको मिलता है, तो सिर्फ सी जी पी लिखना होगा। फोटो मास्क लिखने के बाद आपको देख पा रहे आप नीचे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मांगा जाएगा, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का आप मतलब कहाँ से मैट्रिक किए हैं, तो उसके लिए आप जिस स्कूल से मैट्रिक किए उस स्कूल का नाम डाल दीजिए, विद्यालय का नाम, आपका विद्यालय का नाम एक्चुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो विद्यालय का नाम लिख दीजिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़े, वो विद्यालय कहाँ पर है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने मैट्रिक किया है वो कहाँ पर है सपोज डैट, तो वो डाल दीजिए आप अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पटना पर रहा हूँ, यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए उस स्कूल का, विद्यालय का क्या पता है वो डाल दीजिए, और किस साल आपने विद्यालय में नामांकन लिया था वो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, देख पा रहे हो। और यहाँ पे स्कूल कब आप छोड़े हो, ठीक है, किस साल आपका मैट्रिक यानी हो गया वो स्कूल कब ने छोड़ा वो डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पे कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स डालने होंगे, अपना जेंडर यहाँ से चूज़ कर लो, आपका क्या जेंडर हुआ, ठीक है, आपकी मदर टंग लैंग्वेज क्या है वो चूज़ कर लीजिए, नेशनैलिटी, रिलीजन, कोई अगर रिलीजन से बिलोंग करते तो रिलीजन चूज़ ज़रूर करिए, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका जो है वो ब्लड ग्रुप सपोज एट चुन लीजिए। चलिए चुनने के बाद आपके पास ब्लड ग्रुप नहीं है पता आपको तो देख पाओ यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टार ऑप्शन नहीं है, तो आपको रिलीजन तो पता होगा रिलीजन डाल दीजिए, ब्लड ग्रुप नहीं पता ब्लड ग्रुप को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भरना अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल पूछा गया है। अब देख पर आपको यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है, आपका जिस एड्रेस है आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं सपोज डेट कहाँ से, तो वो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, अररिया, या मान लीजिए आप अगर पटना से बिलोंग करते हैं तो पटना चूज़ कर लीजिए, और किस ब्लॉक से पटना किस ब्लॉक में आता है ब्लॉक या म्यूनिसिपैलिटी वो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही है, तो उस तरह से आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। मैं पटना सदर चूज़ किया, तो देख पा उसके आप हाउस नंबर, स्ट्रीट, अपना यहाँ पर लोकेशन डाल दीजिए, अपना पिन कोड डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, और इस टेलीफोन नंबर को डालने की जरूरत नहीं है, तो बस मोबाइल नंबर ईमेल डाल दीजिए। फिर आपके यहाँ पर कोई रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो चुनेंगे SC ST, अगर नहीं करते हैं तो जनरल चूज़ करके छोड़ दीजिए, यहाँ पर नो चूज़ कर लीजिए, ये सब चुना EW से बिलोंग करते हो तो EW चुनिएगा। देख पा रहे हो आपको यहाँ पर अब क्या करनी होगी, सारे कॉलेजेस और स्ट्रीम वाइज आपको जिसमें एडमिशन लेनी है वो ऑप्शन चूज़ करनी होगी। देख पर आपको यहाँ लिखा हुआ है कि पढ़ लीजिए ध्यान से, यहाँ आपको लिखा है कि जिस कॉलेज एवं मानी जिस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है उसका चयन करिए। पढ़ने बोल जा रहे कि आपको यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 10 और कम से कम 20, ठीक है, ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, जिसमें से देख पा रहे हो आपको आपके कॉलेजेस और स्कूल्स को यहाँ पे आप चुनना होगा। पढ़ने को मिल जा रहा है यहाँ पर कि प्रथम मेधा सूची निकलने के उपरांत चुने गए विकल्पों में किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर अब ध्यान से अपने जो भी स्कूल्स कॉलेजेस आपको चुनना है जिसमें एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी होगी, इसलिए आप एक अच्छी तरह से सोच समझ कर विकल्पों का चयन करें ताकि भविष्य में विकल्पों में बदलाव की आवश्यकता ना पड़े, बाद में आपको उसको बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद कट ऑफ निकलेगा देख पर, उस कट ऑफ के द्वारा आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दीजिए, मान लीजिए सपोज डैट मैं डिस्ट्रिक्ट पटना है तो मैं पटना डाल दिया, कॉलेज नेम यहाँ पर दे रहा है देख पा रहे हो इस तरह से, तो बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर आ रहे हैं AN कॉलेज, ठीक है। टू फिल मोर ऑप्शंस, आपको और भी ऑप्शंस कॉलेजेस के लिए चाहिए, हाँ चाहिए ना, तो यस पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हो आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा। टू फिल मोर ऑप्शंस फॉर अप्लाइंग द अदर कॉलेजेस, कि आप अन्य कॉलेज में भी विकल्प भरना चाहते हैं, हाँ, तो इसीलिए यस करिए। और भी कॉलेजेस में भी खैर अभी तो खैर एक कॉलेज दे रहा है तो आपको और कॉलेज चुनने का ऑप्शन आपको आगे देगा, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे आप स्ट्रीम चूज़ कर लीजिए, किस स्ट्रीम एडमिशन लेना है, साइंस में लेना है कि आर्ट्स में लेना है, देख पा रहे हो दो स्ट्रीम दे रहा है। दो स्ट्रीम क्यों दे रहा है, क्योंकि जो मैंने AN कॉलेज चुना है इसमें दो स्ट्रीम है, मान लीजिए
मैं कोई दूसरा कॉलेज चुनता हूँ। तो इसी तरह से आप अपना कॉलेज चूज़ करके अपना स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जो भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, मान लीजिए आपको आर्ट्स में लेना है तो आर्ट्स चूज़ करिए, ठीक है, या जिसमें आपको लेना है वो कॉलेज चूज़ कर लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो मैंने कॉलेज चुन लिया, मुझे साइंस में लेना है तो मैं साइंस चुनूंगा। और यहाँ पे ऑप्शन आपको जोर चुनना होगा येस, इसलिए क्योंकि ये आपका पहला ऑप्शन खुला है, इसका दूसरा ऑप्शन खुलेगा, आपको सारे कॉलेज एक्जैक्टली चूज़ करनी होंगी, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा आपके इस बोर्ड में। अब देख पा रहे मैं सत्यापित करता हूँ कि प्रूफ है कि सूचना सही है, मैं स्वीकृत करता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्लिक करेगा तो यहाँ पर फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिए, आपने जो डिस्ट्रिक्ट पहले चुना है, आपको जहाँ एडमिशन बेसिकली चाहिए, आपको जहाँ पढ़ना हो, पटना पढ़ना है पटना में तो पटना चूज़ कर लीजिए। हाँ तो मेरे फ्रेंड देख पा रहे हो आपको दूसरा ऑप्शन खुल चुकी है कॉलेजेस का। तो पहला कॉलेज आप इन कॉलेज चुने हो पटना में, और पटना में मेरा कौन सा कॉलेज है मैं वो देख के चुनूंगा। तो पटना में मेरा इसके बाद मुझे एडमिशन लेना है पीडी कॉलेज में। हाँ तो फिर आप देख पा रहे हो आपको यहाँ पे स्ट्रीम चूज़ कर लेनी है। स्ट्रीम चुनते वक्त आप ध्यान रखिए कि अगर आपको कॉमर्स करना है तो कुछ कुछ कॉलेजेस में अगर आर्ट्स साइंस और जिस कॉलेज में कॉमर्स होती है आपको वही कॉलेज को चुनना होगा। कोई जैसे आपने देखा कि मुझे साइंस लेना है तो साइंस का जनरली सारे कॉलेजेस में होता है, तो मैंने इन कॉलेज चुना, पर पीडी कॉलेज में कॉमर्स भी होता है। तो इसलिए अगर आपको कॉमर्स करनी हो तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अगर वो पटना में चाह रहे हो तो पीडी कॉलेज को दे सकते हो। तो पर साइंस करना, मैंने साइंस चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देनी होगी। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दिए तो फिर से खुल गया, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए। अब जब मुझे अगला कॉलेज चुनना है पटना में, ये कॉलेज किस कॉलेज को चुनना है, बीएस कॉलेज मैंने चुन लिया। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रीम चूज़ करना होगा, स्ट्रीम चूज़ करके फिर फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो चौथा कॉलेज खुलेगा। तो इस तरह से आपको मल्टीपल टाइम्स आपको 10 से अप्रॉक्स 20 कॉलेजेस, यानी आपके जिस रीजन में आते हैं, आप जिस रीजन से आप बिलोंग कर रहे हो, उसी रीजन आपको पढ़ना चाह रहे हो, तो इस प्रकार आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी होगी। बीस स्ट्रीम है चूज़ करके यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से देख पा रहे हो आपको ऑप्शंस खुलता जाएगा, 10वां 20वां, तो आपको सारे ऑप्शंस खुलेंगे। आपके जितने भी कॉलेज आपको एडमिशन लेने हैं अपने सेम डिस्ट्रिक्ट में, आपको कॉलेजेस चुन लेनी है। चुनने के बाद क्या करना है चलो आपको बताते हैं। तो आपने देखा आपको जिस तरह से कॉलेजेस आप चुनोगे, तो कॉलेज का आप चयन करोगे तो ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे कॉलेज की प्रायोरिटी दिखेगी कि पहला कॉलेज आपने ये कॉलेज चुना है, आपको इसी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, दूसरा कॉलेज आपने ये चुना है, तीसरा ये चुना है। इसी तरह से आपको तीन नहीं चुनना है, मैंने एग्जाम्पल तौर पर बताया, मैं ज़्यादा बताऊँ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपको अप्रॉक्स कम से कम मिनिमम 10 कॉलेज चुननी है, सेलेक्ट करनी है एडमिशन के लिए, और मैक्सिमम 20 कॉलेजेस, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कॉलेज चूज़ करिएगा उतना ज़्यादा आपका रहेगा प्रायोरिटी एडमिशन होने का। तो इसीलिए आप एडमिशन के लिए बहुत सारे मिनिमम 10 और 15 यानी 20 कॉलेजेस चूज़ कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाती है कि 350 रुपये का पेमेंट करनी होगी। तो इसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, बोला है मैंने जिस लिंक से एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इस वेबसाइट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिससे क्या करनी पड़ेगी मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊँगा। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया आपने उस तरह से कॉलेज चूज़ कर लिए होंगे, अब उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी 350 रुपये का। तो उसके लिए पेमेंट आपको आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर देनी होगी, या आपको जिस वॉलेट से करनी है। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर आपके जिस बैंक का देख पा उस तरह से OTP आएगा, उस OTP को डाल दीजिए। डालने के बाद आपको देख पा उस तरह से आपका पेमेंट हो जाता है, पेमेंट गेटवे खुल जाती है, देख पा रहे हो। तो जिसके लिए आपको यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, प्रीफ्रेंस नंबर रहेगा, या आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, आपको किससे पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या आपको वॉलेट से करनी है, ठीक है, तो चूज़ कर लीजिए। फिर प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करिएगा तो आपका देख पर आपके अकाउंट से, आपके डेबिट कार्ड से आपका पेमेंट कट जाएगा 350 रुपये का। फिर खुद इस तरह का मैसेज आपको दिखाएगा स्क्रीन पर कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। फिर उसके नीचे आपको प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी का ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है। अब बात करते हैं इसमें रिजर्वेशन के बारे में। तो इसमें रिजर्वेशन देख पर आपको इतना रिजर्वेशन दिए जा रही है इतने सारे कैटेगरी वाइज। और फिर बात करें आपके मोबाइल नंबर और आपके मेल पर आपको इसका यूज़र आईडी पासवर्ड ही मिली गया होगा, तब यूज़र आईडी पासवर्ड को अच्छे से आपको संभाल के रखना होगा। और भी आगे का जो भी स्टेप्स होगा मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। तो फिर ये थी पूरी स्टेप्स, आपको फुल प्रोसेस आपको अप्लाई करने की आपकी एडमिशन की बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट की। आपको इस तरह से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते थे अपनी प्लस टू में, तो एल के जी सेशन में, या फिर 11th क्लासेस में। तो किसी कोई डाउट हो किसी स्टेप्स में तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब बताइएगा आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को पसंद दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर जरूर करिए। तो माय डियर फ्रेंड उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब के होम पेज पर आ जाइएगा, तो यहाँ पर आपको चैनल का सेक्शन देखने को मिलते हैं, हमारे अदर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चैनल अबाउट सेक्शन में आइए तो आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम से देखने को मिल जाता है, और इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझसे भी इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरीज हो। अब बात करें तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी बिहार बोर्ड की जो एडमिशन ये जो हो रही 11th 12th में जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, आपको भी डाउट हो रही है प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपके यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट देखने को मिल जाती है। आप मुझे इस टाइम पर कॉन्टैक्ट करें, इस टाइम पर मैसेज करें, आप इस टाइम पर मैसेज करिएगा तो मैं बताऊंगा आखिर मुझे कहाँ कॉन्टैक्ट करनी होगी, और मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुद भर दूंगा। तो उसके आप मुझे इस टाइम पर कॉन्टैक्ट करना ना भूलें, जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है फॉर्म फिलअप करने वक्त।
तो चलिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आज भी मैंने जो वीडियो को बताया है प्रोस्पेक्टस डाल दिया हूँ, अपलोड कर दूंगा, और यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा जिस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करनी है एडमिशन में। तो देख पर से खुल जाती है हमारे एजुकेशन हब चैनल की यहाँ पर लिंक, तो आपको बस ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जानी है। देख पा रहे आप आ गए हमारे इस ऑनलाइन क्वेश्चन हब के टेलीग्राम चैनल पर, आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर एजुकेशन भी प्रेस आएंगे सबसे पहले देखने को मिलेंगे, तो जिसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो देख पा रहे यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाती है, जो प्रोस्पेक्टस अभी मैंने जस्ट आपको वीडियो में दिखाया था, तो फिर आपको लिंक देखने को मिल जाती है। इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करके खोलोगे तो आप तुरंत आ जाओगे डायरेक्ट इस आपके एडमिशन की वेबसाइट पर, और प्रोसीजर मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। तो फिर ये थी आज की पूरी प्रोसेस, आपको इस तरह से अप्लाई करना है अपने इस पीआर बोर्ड में आपको एडमिशन के लिए। तो किन्हीं को डाउट हो तो वीडियो कमेंट से कमेंट करना ना भूले। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।